अस्सलामुअलैकुम, समर की बातें मैं वेलकम करता हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों से, जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं कि बाय रोड जब मैं ईरान गया तो उसके क्या मामला थे, क्या तरीक़ेकार था। तो बड़े कोशिश करूँगा शॉर्ट में समझा दूँ कि बाय रोड ईरान के क्या तरीक़ेकार है। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, अब चाहे वो PTI गवर्नमेंट का था या किसी का भी था, लेकिन PTI के दौर में खुला है तो उनका बेहतरीन स्टेप था कि रमदान, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है, रमदान बॉर्डर कराची से तकरीबन 10 घंटे दूर है, वहाँ पे एक बॉर्डर खुला है जो कि ईरान के शहर चाबहार से बहुत करीब लगता है। अब मैं सिंपल सा तरीका बताया था, वीज़ा ईरान का लाजमी है, ठीक है, जो कि अराउंड 5 से 6 हज़ार का चल रहा है, 6 हज़ार डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ PCR टेस्ट, जो कि कोविड टेस्ट है, वो भी तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार का, 2 से 3 हज़ार के दरमियान कुछ चल रहा है। ये दो चीज़ें लाजमी है, ठीक है। उसके बाद दो तरीके हैं कराची से उस बॉर्डर तक पहुँचने के। पहला तरीका, आप कार करवा सकते हैं अपनी, जो कि आपसे लेगी 15 से 17 हज़ार रुपये, यानी तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये पर हेड में आप कराची से सीधा बॉर्डर पहुंच जाएंगे, जहां से आप ईरान के बॉर्डर में एंटर करेंगे। दूसरा तरीका, यूसुफ गोट एरिया है कराची में, तकरीबन कराची के थोड़ा सा कॉर्नर में लगता है वो, जहां से सफ़र का आगाज़ होता है बॉर्डर के लिए। वहां पे एक बस जाती है अल मुमताज कोच करके, वो आपसे लेती है 2 हज़ार रुपये, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और काफ़ी लग्जरी बस है। लेकिन उस बस का मसला ये है कि वो जगह जगह रुकती भी जाती है, और दूसरा, बॉर्डर खुलने के 6 घंटे पहले वो आपको उस एरिया में उतार देती है जहाँ पे आपको वेट करना होता है बॉर्डर खुलने का। अच्छा, अब मैं सादा सा बता देता हूँ, हम क्योंकि जाते वक्त बस में गए थे तो हम तकरीबन 3-4 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे, 4:30, 5 और 5:30, इस तरह से शायद 3 टाइमिंग्स हैं बस की, वो 3 टाइमिंग्स में बस चलती है। 2 हज़ार रुपये वापस लेगी, वो आपको सीधा बॉर्डर पर उतारेगी तकरीबन रात को 3 या 4 बजे से लेकर सुबह 8-8:30 बजे तक आपको वेट करना पड़ता है। सुबह 7 बजे वहाँ जो वेटिंग एरियाज हैं, लेडीज़ का एरिया अलग है, जेंट्स का अलग है, सामान आप बाहर रख देंगे या अंदर जाइए, वेटिंग एरिया वहाँ रख सकते हैं, थोड़ी आपको सामान पर नज़र रखनी पड़ती है। सुबह 7 बजे के करीब, 7-7:30 बजे के करीब, जो वहाँ पे 2-3 जनरल स्टोर्स हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, और 7:30 के करीब ही वहाँ एक होटल है, साथ ही वॉशरूम्स भी हैं, नमाज का भी है, होटल्स खुलना शुरू हो जाते हैं। होटल में आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चाय है, पराठा है, और शायद अंडा है, छोले हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज भी किसी किसी वहाँ पे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल था उस वक्त जब हम गए थे। वो आपको रेट मालूम होना चाहिए क्या है, वो उस हिसाब से आपको दे देंगे। इस वक्त चल रहा है तकरीबन 137-140, यानी ईरानी पाकिस्तानी 1 रुपया, ईरानी 137 रुपीज़ 140 रुपीज़, ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कार में जाते हो तो उसका फ़ायदा ये है कि, नुकसान तो ये है कि आपके 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर लग रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उसका ये है कि आप जो है वो सीधा अपनी टाइमिंग में रात को 10 या 11 बजे या 12 बजे भी अगर गाड़ी में यहाँ से निकलते हो, सुबह 8 बजे सीधा बॉर्डर खुलता है 9 बजे, लेकिन 8:30 बजे से प्रोसेस सारा शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, अपना सामान लेके सीधा बॉर्डर पर जाते हो, पाकिस्तानी बॉर्डर से एंटर करते हो, वहाँ पे आपकी कुछ पासपोर्ट की पिक्चर्स ली जाती हैं, आपके पासपोर्ट पे थप्पा लगता है पाकिस्तान से एग्जिट का। उसके बाद ईरानी साइड पे आप एंटर होते हो, ईरानी साइड पे एक बंदा खड़ा होता है, वो आपके बैग्स को चेक करता है, उसके बाद सीधे जाते हो, और वहाँ पे अगर ईरानियों का मूड ख़राब हुआ, लिटरली मूड ख़राब हुआ, उन्होंने बहाना ये किया था कि सिस्टम हमारा ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी ईरान में, सिस्टम तो खैर एक बहाना है। अगर ईरानियों का मूड अच्छा हुआ, आप फौरन निकल जाओगे, आपको शायद 1-1.5 घंटा बॉर्डर पर लगता है। मूड ख़राब हुआ, वो 5 से 6 घंटे भी आपको कवर करवा सकते हैं, डिपेंड करता है उनके मूड पर। और ज़्यादातर जो, क्योंकि मैं सैटरडे गया था, फ्राइडे को बॉर्डर बंद होता है, सैटरडे से लेकर और तकरीबन थर्सडे तक खुला हुआ होता है, तो मैं सैटरडे गया था, तो सैटरडे को मामला थोड़े ख़राब थे, मुझे अच्छा खासा वेट करना पड़ा था, उनका मूड ऑफ था शायद किसी बात पे, और बहाना वो कर रहे थे कि सिस्टम डाउन। खैर, वहाँ पे एंट्रेंस पे आपको कोविड टेस्ट होता है, जिसको रैपिड टेस्ट वो लोग कहते हैं, जिसका रिजल्ट रैपिडली आ जाता है, इसलिए रैपिड टेस्ट कराते हैं वो, उनका वो भी उनका मूड हुआ तो लेंगे, वरना वो भी आपको जाने देंगे, आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, उस पर स्टैम्प लगाएंगे, आप बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ गाड़ी वाले मौजूद होंगे जो आपको पार्किंग तक लेके जाएंगे, ईरानी बॉर्डर से लेकर पार्किंग तक का रास्ता है शायद 400-500 मीटर है, तो यानी आधा किलोमीटर तकरीबन, तो वो आपसे 100 रुपये पर हेड लेके आपको पार्किंग तक पहुंचाएंगे। पार्किंग पे आपको टैक्सी मिलेगी तकरीबन 1000 रुपये पर बंदा, यानी अगर आप 4 लोग हैं तो 4000 रुपये की वो पाकिस्तानी आपको टैक्सी पड़ जाएगी, ईरानी शायद वो 12 लाख बनते हैं अराउंड, तो वो आप उस टैक्सी में बैठोगे, वो आपको चाबहार छोड़ेगा, वहाँ पे आप कोई भी होटल बुक कराए, और अगले दिन की फिर आपकी फ्लाइट होगी, क्योंकि फ्लाइट की टाइमिंग्स भी आपको सब चीज़ें पहले से, यानी फ्लाइट्स पहले से करवा के जानी पड़ेगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें वहाँ जाके पॉसिबल है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है जो आपको सस्ता और अच्छा पड़ जाएगा, यानी वीज़ा अगर आपका 5 से 6 हज़ार रुपये, अगर हम वीज़े के लगाएं, 2.5 हज़ार PCR की भी लगाएं, जो कि मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, 8.5 हज़ार रुपये, 4.5 हज़ार में आपको गाड़ी पहुँचाएगी, तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये बनते हैं, आप एंटर कर जाएंगे, वहाँ कोई चार्जेस नहीं है, 100 रुपये अंदर जाने के आप और लेते हैं वो लोग, तो 13 हज़ार 100, 1 हज़ार रुपये में आप चाबहार पहुँचते हो, 14-15 हज़ार रुपये में आप सीधा चाबहार, वहाँ पर फिर होटल में आपका नाइट स्टे होता है 2.5-3 हज़ार, 4 हज़ार का कोई, 5 हज़ार का कोई रूम होगा 2 बंदों का या 3 बंदों का, वहाँ आप स्टे करके, और नेक्स्ट डे अपनी फ्लाइट वहाँ से, फिर आप एयरपोर्ट से आप 1000 रुपये पर हेड शायद और लेता है वो, 700-800 रुपये, 1000 रुपये वहाँ से एयरपोर्ट से, चाबहार से आप चाहो तो फ्लाइट ले सकते हो तेहरान, क्योंकि कुम के अंदर कोई भी एयरपोर्ट अभी है नहीं, बन रहा है, तो आप तेहरान करके कुम जाते हो बाय रोड, या फिर आप डायरेक्ट मशहद जा सकते हो। तो ये बेसिकली थोड़ी कहानी है, अगली वीडियो में बनाऊंगा टिप्स पे कि ईरान जाते हो आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कि एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको जब भी ईरान जाना हो तो आपको आसानी, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।